गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो सभी? तो स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। दोस्तों सुबह के हो गए हैं 7:20 और भाई मालिक का फोन भी आ गया है और धुंध पड़ गई है यार। मैं सुबह 4 बजे उठ के चला था उधर से, थोड़ा मालिक का फोन आ गया था, थोड़ा काटना पड़ गया। तो बोल रहे थे कि लाइट तो नहीं काम छोड़ गई। मैं काम तो नहीं छोड़ा यार, धुंध पड़ गई, बुरे हाल हो गए। मैं सो गया था ना पीछे, रात को मैं 11 बजे ही सो गया था। तो वहां से 4 बजे चला था तो यहाँ तक बड़े मुश्किल से पहुंचा। जैसे मैं इधर यूपी में एंटर हुआ शामली वाली साइड को और बॉर्डर के पास, तो यार धुंध पड़ गई, बुरे हाल हो, दिखना ही बंद हो गया यार। तो मैं यहाँ पे 5-6 बजे पहुंचा था, तो 1.5 घंटा हो गया, अभी भी धुंध पड़ी हुई है। चलो अब धीरे धीरे चलते हैं, अब थोड़ा सूर्य देव भी आ गए हैं तो अब दिख ही जाएगा थोड़ा बहुत। चलते हैं मजे मजे से। और अब मौसम ऐसा साफ हो गया, धुंध में रिस्क नहीं लेना चाहिए यार। ये 2-3 महीने हैं तो ये बच के चलो, इसमें कुछ नहीं है। एक दिन खराब हो जाएगा, अपने आप सेफ है, गाड़ी सेफ है, तो सब कुछ वही कमाई है दोस्तों, कुछ हो जाए क्या फायदा। ये है पवार HP वैष्णो पंजाबी ढाबा। तो यहाँ पे एक HP बी भी लगी गाड़ी, अपनी ये लगी गाड़ी। तो यहाँ पे रुक गया था, धुंध उठ गई है तो सूर्य देव भी दर्शन दे गए हैं। तो अब चलते हैं चाय चूय पी के, नाश्ता नुश्ता करके। बाकी ये गाड़ी भी सो ही गया, अब तो ये भी सुबह के टाइम ही आके खड़ा था। तो ये रही दोस्तों आज की सुबह की पहली चाय, तो पहले पी भी ली थी, तब दोबारा उठ के पी रहे चाय, पियेंगे चाय। तो अभी बंदा सोया हुआ यार, तो परौंठा बनेगा नहीं अभी, चाय पी लेते उतनी देर। और पीछे देखो गाड़ी है, देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। चलते हैं फिर चाय पी कर। और दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 8 और चाय जो पी के चल पड़े हैं। ब्रेक फाइन करा नहीं यार, क्योंकि उसका गाड़ी का सोया हुआ था। और चल पड़े अब पहुंचने वाले हैं दोस्तों शामली, और अब धुंध भी बिल्कुल साफ हो चुकी है। बाकी यार जो मर्जी हो जाए यार, धुंध में मैं बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलाता हूँ, मैं रिस्क लेता ही नहीं धुंध में। बड़े चुपचाप होटल में खड़ी करो, सेफ जगह, और अपने रुक लो 1-1.5 घंटा, कोई चक्कर नहीं उसमें, तो आप कवर कर सकते हैं 1.5 घंटा। बाकी जो कोई नुकसान हो जाए तो वो कवर नहीं होता दोस्तों, इसलिए मैं धुंध में रिस्क लेता ही नहीं हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए। बाकी जो धुंध ना पड़ती तो इस टाइम बिजनौर के आसपास तो कल उसमें क्या करें यार, अभी शामली में ही घूम रहे, बस जाम ना लगे शामली में बस। और चले हुए हैं धीरे धीरे दोस्तों, रोड का काम चला हुआ है, हाईवे का बीच बीच में डिवर्सर है बने हुए, और खड्डे तो भाई है ही है रोड में। लो जी दोस्तों शामली में एंटर होने वाले हैं, और यहाँ पे देखो एंटर होने से पहले रोड के बुरे हाल, बस शामली में जाम न लगे यार, क्योंकि जाम अंदर बहुत तगड़े वाला लगता है यार। बाकी इधर अभी स्कूल टाइम है तो साइकिल मोटरसाइकिल वाले बहुत है, बच्चे भी चले हुए काफी सारे, तो आराम आराम से चलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, काफी सारे चले हुए हैं, तो जाम तो दोस्तों लगेगा ही लगेगा। क्योंकि आजकल यार ट्रैक्टर वाले भी बहुत चले हुए ना, ये लकड़ियाँ लेकर, तो ये चलते हैं धीरे धीरे, तो लाइन यहीं से अभी लगनी शुरू हो गई है। मैं रात को तब जाता है यार, धुंध थी पर जगह जगह डिवर्सर है, रोड का काम चला हुआ है, फिर पता नहीं लगता है दोस्तों ऐसे में, इसीलिए भी मैं रुक गया था वहाँ। बाकी यार सोच तो मैं बहुत रहा था कि शामली पार कर लूँ, पर यार धुंध ने बेबसी कर दी। और बाकी यार चलो जैसे ऊपर वाले की मर्जी। ये देखो जैसे ये रेडी चली हुई है घोड़ा गाड़ी गन्ना लेकर, धीरे धीरे चले रहते हैं, एक लाइन नहीं बंद हो जाती है, आके हमारे ट्रैक्टर चला हुआ उसके कारण भी लंबी लाइन लगी हुई है। और साइड क्लास में देख सकते हो पीछे तक लाइन है दोस्तों, जहाँ से सामने शुरू हुआ उधर तक लाइन है, आगे तो है ही है। आगे बस मेरे से आगे 2 गाड़ी है, एक पराला एक आलू वाला है, और उसके आगे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को पास हो जाए फिर तो थोड़ा बहुत राहत मिल जाए। और वन वे रोड है दोस्तों, ओवरटेक भी कर नहीं सकते, देख के करना पड़ेगा ओवरटेक भी, और आगे से भी गाड़ियां आ ही रही है लगातार, ओवरटेक करना तो दोस्तों मुश्किल है, तो बस चले रहना पड़ेगा इनके पीछे लाइन लाइन में। एक ने तो कर दिया ट्रैक्टर को ओवरटेक, वो देखो जा रहा है ना ट्रैक्टर आगे, एक ने कर दिया, दूसरे ने भी कर दिया ओवरटेक, पर ब्रेक लग गया, पर कर ही देगा पास, मेरे को लगता है कर दिया पास। ये पंगे ज्यादा है आजकल, क्या करे, अब ये ट्रैक्टर वाला चला हुआ है धीरे धीरे भाई, वजन ज्यादा है इसमें, भगा भी नहीं सकता इसको भाई। ओवरटेक कर दिया जाए दोस्तों, साइकिल वाला कहां फंस गया रे साइकिल, ट्रैक्टर को तो कर दिया दोस्तों ओवरटेक, ये रिक्शा फंस गया यार आगे, अब आगे चौक है दोस्तों, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जाम लगा ही रहता है। ये आ गया शामली बाजार का दोस्तों पहला चौक, तो यहाँ पे गाड़ियां भी रुक गई है, लाइन लगी हुई है,
बाकी जाम आज है नहीं मुझे लग रहा। तो एक उधर पानीपत से आ रहा है रोड, वही है दोस्तों, ये सीधा सामने निकलता है यहाँ से। तो पहला चौक हो गया दोस्तों अपना पार। उधर वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि पुलिस वाले भाई उधर कुछ चलान भी कर सकते हैं भाई। और ये क्या है, बस स्टैंड है? नहीं, पार्किंग होगी। बाकी आगे सूर्यदेव का प्रकोप बहुत तेज है तो आगे दिख नहीं रहा है दोस्तों, काला हो रखा के, इसीलिए भी पूरा नहीं दिखा पाऊंगा आपको शामली बाजार। देखो ऐसे दिखता ही नहीं, देखो ऐसे करूंगा जैसे। और ये आ गया दोस्तों शामली बाजार का दूसरा गोल चौक। बस हम रेलवे क्रॉस टप गए ना दोस्तों, रेलवे फाटक, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर नहीं है जाम का डर। रेलवे फाटक के बाद ज्यादा लगता है जाम यार दोस्तों, ये चौक से आके जाम लग जाता है कई बार, बहुत तगड़े वाला जाम लगता है इधर, खुलता भी नहीं है दोस्तों पूरे पूरे दिन। फिर तो आज तो मुझे लगता है नहीं जाम यार, क्योंकि हमारी दो तीन गाड़ियां ही चली हुई, आगे तो साफ ही दिख रहा है। बाकी इस टाइम बस बूस वाले का ज्यादा दिक्कत है भाई, बस बूस वाले बैठे रोकते रहते हैं सवारी बैठाने के लिए। ओवरटेक करना था बस को, आगे से छोटा हाथी आ गया है। ऐसे ऐसे ट्रैक्टर वाले भी लगा देते हैं दोस्तों जाम। अब देखो जैसे टैंकर है, फिर उसके पीछे मिक्सर मशीन है, बुरे हाल है। किसी ठेकेदार का होगा ट्रैक्टर, काम पर चला हुआ भाई ट्रैक्टर वाला भी। तो इसे दोस्तों ओवरटेक कर लेते हैं, मेरे को स्कूटरी वाले ने रोक लिया रास्ते में यार। ट्रैक्टर हो गया दोस्तों ओवरटेक, शुक्र है दोस्तों कि आज जाम नहीं लगा, नहीं फाटक तक पहुंच गया बड़े आसानी से। तो बस फाटक के बाद आके थोड़ा सा जाम लगा हुआ, क्योंकि यहाँ सिंगल सिंगल गाड़ी क्रॉस हो रही है ना, इसीलिए लाइन लगी हुई है। बाकी सुबह के 8:30 हो गए, तो जब से मैं इस रूट पर आ रहा हूँ ना, पहली बार है दोस्तों कि जाम नहीं लगा मुझे बाजार में, तो फर्स्ट टाइम है ऐसा, ज़्यादा टाइम खराब नहीं हुआ। नहीं मुझे यही डर था कहीं जाम ना लग जाए, जब जाम लग जाए तो पूरा दिन बर्बाद हो जाए दोस्तों। चलो भाई ऊपर वाले की जो मर्जी, जो भी करता है बढ़िया ही करता है ऊपर वाला भाई, धुंध पा दी तो उतना टाइम हमारा इधर बचा दिया, जाम नहीं लगा हमें। दोस्तों ये रेलवे क्रॉस करते ही पहला कट ले लेंगे लेफ्ट साइड, फिर आगे जाके राइट, फिर सीधा मुजफ्फरनगर पहुंच जाएंगे दोस्तों। फाटक के पास यार 10-15 मिनट लगी गए दोस्तों, फिर भी देखते देखते। पहुंचने वाले हैं मुजफ्फरनगर, और उससे पहले देख सकते हैं आप गन्नों की गाड़ियों की लाइन। वाह क्या बात है भाई, क्या बात है, गन्ने गन्ने हो रखे आजकल मार्केट में भाई, लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, ट्रकों में अलग, बैलगाड़ी में अलग, ये देख सकते हैं गाड़ियां ही गाड़ियां। कितने सारे गन्नों की गाड़ी है भाई। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर, तो ये मुजफ्फरनगर बाईपास, तो यहाँ से लेंगे दोस्तों हम राइट टर्न। और ये देखो यहाँ पोस्टर लगाना, ये आ गया दोस्तों मुजफ्फरनगर का ट्रांसपोर्ट नगर एरिया। देखो गाड़ियां ही गाड़ियां रुकी है, साथ में दूसरी गाड़ी है दोस्तों अल्ट्रा, दोस्तों मुजफ्फरनगर का ही माल है,
तो ये ट्रांसपोर्ट नगर का ही बोल रहा था। तो ये है दोस्तों साथ में अल्ट्रा अपने कंपनी की गाड़ी है, ये नालागढ़ की है। तो साथ बोल रहा भाई मैं काफी टाइम बाद आया, मैं भूल गया हूँ रोड, तो मिल गए थे वहीं पे जहाँ पे सोया हुआ था मैं, और रात को भी ये साथ ही थे मेरे धुंध में, फिर मेरे पीछे लगा के सो गए हुए थे, तो इसलिए मैंने सुबह ध्यान नहीं मारा, फिर वो मेरे पीछे पीछे चल पड़े, तो आगे रुकवाया था इन्होंने। तो इनका यही मुजफ्फरनगर का ही है दोस्तों माल, भोपा रोड मुजफ्फरनगर, भोपा रोड तो वही है जो बिजनौर को जाता है मुजफ्फरनगर से। ये आ गया दोस्तों मेन हाईवे, तो यहाँ से ले लेंगे दोस्तों हम राइट टर्न। बस ये यहाँ से ब्रिज चढ़ेंगे और दोस्तों अगला ब्रिज आएगा उससे सर्विस रोड, और ब्रिज के नीचे से दोस्तों राइट टर्न और सीधा बिजनौर की ओर दोस्तों। मुजफ्फरनगर से बिजनौर वाली साइड को, तो दोस्तों बस अब बिजनौर जब तक पार नहीं होता तब तक ऐसे ही खड्डे आपको मिलेंगे, तो रोड के बुरे हाल है दोस्तों, क्या कर सकते हैं, ऐसे ही खड्डे खड्डे हैं यार दोस्तों। बीच बीच में बन रखा है रोड और बीच बीच में काफी बुरे खड्डे हैं दोस्तों, ये पूरा टाइम बर्बाद कर देता है दोस्तों ये खड्डे यार। ये देख सकते हैं आप लोग क्या हाल है दोस्तों, बस यहाँ दूसरे तीसरे गियर में चलते रहो, बस खड्डे ही बड़े खतरनाक है दोस्तों, समझ नहीं आता कि खड्डे कैसे बचाए जाए दोस्तों, और ये बनेगा पता नहीं कब भाई। और मुझे लग रहा है ये हाईवे का काम चल रहा है यार, इधर बिल्डिंगें उठा दी उन्होंने, पेड़ पौधे काट दिए सारे, तो रोड चौड़ा हो जाएगा, तो बढ़िया ये जल्दी जल्दी हो जाए तैयार। ये देखो भाई उठा दी इधर से बिल्डिंगें, फोर लाइन तैयार हो जाएगा दोस्तों आने वाले टाइम में, और जब तक हो जाएगा तैयार तब तक पता नहीं कितनी गड्डियों के नट बोल्ट घट जाएंगे इधर। भाई ये क्या हो गया, बड़ा खतरनाक सीन है भाई, ईवी 12 नंबर है भाई, क्या हो गया इसको यार, ओहो नीचे उतर गया, फ्रंट एक्सल ही चढ़ गया सारा भाई, गाड़ियां कहाँ से आ गई यार ऐसे मौके पर। ये देखो दोस्तों क्या हाल है, नई गाड़ी है 12 टेरी, क्या सीन हो गया होगा यार इसके साथ। और दोस्तों चले हुए हैं कंटिन्यू और पहुंचने वाले हैं बिजनौर, और बिजनौर गुरुद्वारा पार कर लिया है, बिजनौर से पीछे से गुरुद्वारा आता है, बाकी देखेंगे बिजनौर पार करके खाना खाएंगे और नहाएंगे धोएंगे भाई, बहुत बुरे हाल है, तीसरा दिन हो गया आज, और इस रोड में खड्डे खड्डे जिसके है बहुत ज्यादा बुरे हाल। अब तो थोड़े बहुत भर दिए दोस्तों, नहीं पहले बहुत तगड़े वाले खड्डे रहे इसमें, अब तो थोड़ा सुधर गया है दोस्तों रोड, यह वाला खड्डे भर दिए, देखो पैच लगे हुए, देखो ये सारे, देखो ये पैच लगे हुए, बढ़िया हो गया चलो, नहीं तो यहाँ पर गेर ही लगाता रह जाता था आदमी यार। अब तो थोड़ा सुधर गया है दोस्तों रोड, यह वाला
खड्डे भर दिए। देखो पैच लगे हुए, देखो ये सारे, देखो ये, देखो ये पैच लगे हुए, बढ़िया हो गया। चलो नहीं तो यहाँ पर गेयर ही लगाता रह जाता था आदमी यार। अब तो थोड़ा सुधर गया है दोस्तों रोड यहाँ वाला, खड्डे भर दिए। देखो पैच लगे हुए, देखो ये सारे, देखो ये, देखो ये पैच लगे हुए, बढ़िया हो गया। चलो नहीं तो यहाँ पर गेयर ही लगाता रह जाता था आदमी यार। और दोस्तों दिन के बज गए हैं 12 और हम पहुंच गए हैं डैम पर दोस्तों। ये देखो डैम का व्यू, काफी बड़ा डैम है दोस्तों ये, और इसमें भाई 28 वो है गेट, 28 गेट है। देखो उसका 26, काफी पानी रुका हुआ है दोस्तों इधर, और इधर को देख सकते हैं बाहर का व्यू। आधा किलोमीटर से तो लंबा ही होगा ये ब्रिज यार दोस्तों, शायद किलोमीटर ही ना हो। और वहाँ है दूसरी साइड को देखो बाहर को मंदिर, तो स्नान स्नान करने के लिए भी बनाया हुआ है दोस्तों। वहाँ पर देखो बोरियां बनाई है, संगल लगाए हुए हैं, राम राम जी है। मूर्त घाट भी इधर ही है, वो मरेगा बाइक, डरते ही नहीं है मरने से तो भाई। पर ऐसे जबरदस्ती आ गया चिपककर, ऐसे नमूनों से भाई बच के रहना पड़ता है। लाइने देखो दोस्तों आप ट्रकों वालों की है। ये क्या लेके आ गया भाई ये, हो गए हैं 12:30 और हम बिजनौर बाईपास के जाम में अभी भी लटके हुए हैं दोस्तों। एक घंटा होने वाला है बिजनौर बाईपास पर ही, दोनों तरफ को लगा हुआ जाम। आगे यार मेरे को लगता फाटक है ना, तो फाटक का जाम लग गया होगा शायद यार। बाकी वो गन्ने की ट्राली वगैरह चले हुए हैं तो इनके वजह से भी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्या करे यार ऐसे ही है। आगे देखते हैं मीरापुर वाली साइड होटल में लगाएंगे गाड़ी। सबसे पहले नहाना धोना है यार, बुरे हाल हो गए यार, 3 दिन हो गए नहीं नहाए हुए। आएंगे धोएंगे खाना खाएंगे, फिर कोशिश रहेगी आज लखनऊ पार करना ही पड़ेगा भाई, कंटिन्यू चलना पड़ेगा भाई। धुंध ने खराब कर दिया काम, नहीं तो इस टाइम कब कम है मुरादाबाद पार कर चुका होता इस टाइम, क्योंकि अभी बिजनौर में लटका हुआ। बाकी ऊपर से ये जाम भाई, क्या ही बोले दोस्तों, बुरे हाल है यार जाम में। ऊपर से गर्मी भी लगन लगी अब तो भाई, बाकी जाम बिल्कुल हिलने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे को लगता है फाटक ही लगा हुआ है आगे। ओ देखो गाड़ियाँ वहीं की वहीं खड़ी है, पीछे लाइन लगी पड़ी है। बाकी आगे चौक है, चौक से पहले रोका हुआ हमारे को, चौक से आगे भी जाम है ना दोस्तों। मैं तो भाई आधा घंटा सो भी लिया यार, आँख लग गई थी, क्या करे नींद बहुत जोर की आ रही मेरे को यार। लाइन चल पड़ी भाई, चल पड़ी लाइन, मैं सोया भाई रह जाता था पीछे से हॉर्न बजने लगे। और आजकल गन्ने का सीजन भाई बड़े तगड़े तरीके से चला हुआ है। और यहाँ पे देखो अंदर स्कूल, तो स्कूल की हो गई है छुट्टी अभी, और देखो बच्चे घूम रहे हैं लंच टाइम पर। सामने के जाम से बच गए थे दोस्तों, आज बिजनौर के जाम में फंस गए भाई। मेरे आगे है भाई जम्मू का रॉकेट चलावा 15 नंबर। नहीं नहीं आ रही भाई आगे से, we'll be right back.
तो दोस्तों दिन के बज गए हैं 2 और भाई नहा लिया अपा बिजनौर पार करके रुके हुए यहाँ पे डेरा बची ढाबे में। भाई 3 दिन बाद नहाए और पानी इतना गर्म था ना दोस्तों, जैसे सिर में डाला ऐसा लग रहा था सिर है ही नहीं यार, सुन्न हो गया था काम, इतना गर्म पानी भाई क्या ही बोले दोस्तों। और अब भूख लगी है बहुत जोर की दोस्तों, खाते हैं खाना, देखते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं रेस्ट करेंगे या नहीं। खाना खाने के बाद लगेगा पता, जब सुस्ती पड़ेगी तो सो लेंगे 1 घंटे, नहीं तो चल पड़ेंगे। बाकी कपड़े कुपड़े अपन ने लिए धो, अपा हो गए फ्रेश, कंघी अपने पास है नहीं, जिस दिन से मैंने छोटे बाल रखे ना कंघी गड्डी में मिली ना मैंने कभी खरीदी। तो खाते हैं दोस्तों खाना, फिर देखते हैं अपने सफर के बारे में क्या होता है प्रोग्राम, जैसा भी होगा देखेंगे। लो जी दोस्तों यहाँ पे होगा 2 कारों का सीन, देखो कार एक वो बड़ी है एक इधर बड़ी है, देखो ये बहुत ही तगड़ा सीन हो गया दोस्तों के बीच में, ये पता नहीं कैसे टकरा गई कार है भाई। ये कार वाली चलते भी गलत है ना, ओवरटेक करने वाले को देखो ये किधर से रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने की तैयारी में था कार वाला, अब ये साइकिल वाले ना चले होते इसने ओवरटेक भर देना था, सबर नहीं है इनको भाई, इनके कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं। फिर ये साइकिल ना होते थे इसने 100% उधर से ओवरटेक कर देना था, बाद में पंगा बड़ी गाड़ी को। तो कन्नैया का भाई सीजन इस बार फुल है यूपी में, धामपुर 22 बरेली 147 रामपुर 81 किलोमीटर। हेलो गाइस गुड इवनिंग, तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 4, तो हम चल पड़े हैं होटल से खाना पीना खा के और पहुंच गए हैं नूरपुर। आगे भाई ट्रक वाला चला हुआ गन्ना लेकर, तो इसके पीछे चलना पड़ रहा है यार, क्या करे उधर से ओवरटेक करते तो साइड में कोई साइकिल वाला कोई मोटरसाइकिल वाला कोई ऑटो वाला चला हुआ है। और ये पहुंच गए हैं दोस्तों रामपुर मार्केट, आ जा। तो यहाँ से ले लेंगे दोस्तों हम राइट टर्न मुरादाबाद के लिए। कोई नहीं है से पास लिया जाए जल्दी से जल्दी, फिर मजा आ जाए। इधर से रॉन्ग साइड से ले नहीं सकते उधर से, क्योंकि गाड़ियां आती रहती है आगे से, मोटरसाइकिल कार चली हुई है। कच्चे उतार के ही पास लेना पड़ गया दोस्तों। और दोस्तों इस मार्केट आगे से हम ले लेंगे लेफ्ट टर्न दोबारे, फिर साथ में ही आगे जाकर फिर राइट टर्न दोस्तों। और ये देखो भाई गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी है, देखो पिकअप की लाइन लगी हुई भाई। गन्ने वाले को देखो गन्ने आगे आगे भाई 100 के आगे है, क्या बात है। ये देखो मुरादाबाद 51, जिसको दिल्ली मेरठ जाना हो तो सीधे चले जाए मुरादाबाद के लिए, यहाँ से लेफ्ट ले ले दोस्तों जैसे वो ट्रक जा रहा है आगे। कार वाले दोस्तों रॉन्ग साइड ही चल पड़ते हैं यार, इनको तो बस जगह मिलनी चाहिए बस। रामपुर 79 ताजपुर 9 बरेली 145, अब यहाँ साथ में आगे से फिर राइट टर्न हो जाएंगे we'll be right back.
पास में है, बहुत ही ज्यादा बुरे हाल दोस्तों, क्योंकि ये गन्ने वाले काफी आ रहे हैं, देखो उसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है जगह जगह घड़ी घड़ी। चले भाई ये गन्ने वाले, और गन्ना अभी काफी है दोस्तों, देखो ये पूरा खेत भरा हुआ है गन्ने का ही। अभी मुझे लगता है एक डेढ़ महीने का गन्ना का सीजन रहेगा इधर यूपी में। और ये चले हुए हमारे आगे आगे यूपी तेई वाले, यूपी तेई कहाँ कहाँ है ये कमेंट करके बता देना भाई, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर भाई यूपी से काफी ज्यादा है, तो बता देना यूपी वाले भाई कहाँ से है यूपी तेई, आपके जिले का नंबर तो नहीं है कहीं। और ये मुरादाबाद के बाईपास में ना दोस्तों काफी तंग तंग मोड़ है यार, दिखते भी नहीं है दूसरी साइड को। हॉर्न बजा देते हैं भाई, पूरा तीखा मोड़ है दूसरी साइड को, दिखता ही नहीं है। अभी फिलहाल आगे से गाड़ियां कम आ रही है भाई, थोड़ी देर में बढ़ जाएगा ट्रैफिक। अपने साथ यार पीवी नंबर वाले थे, किधर चले गए पीवी नंबर वाले? लो जी रेलवे फाटक आ गया दोस्तों, सुपर खुला है दोस्तों, नहीं यहाँ पे लग जाता है बहुत खतरनाक जाम दोस्तों, 7:30 बजे के बाद यहाँ ट्रेनें चलने लग जाती है तो जाम तगड़े वाला लग जाता है। लो मैंने सोचा बच के, पर जाम लग गया है दोस्तों। ये चले भी अपने साथ PV08 वाले, दो केंद्र है, एक कमेंट खुल गया भाई, खुल गया। चलो एक बारी तो हम 2 घंटे के लिए फंस गए थे दोस्तों, यहाँ 7:30 बजे आए थे लगातार, कभी माल गाड़ी आ रही है, कभी ट्रेन आ रही है, कभी कुछ आ रहा था यार, 2 घंटे लग गए थे हमारे यहाँ। तो टाइम से निकल जाओ दोस्तों, बस इसको उजाले में ही निकल जाना ही ठीक है। और दोस्तों मुरादाबाद अपना हो गया बार बाईपास, और भाई हाईवे में देखो ट्रैफिक कितनी है भाई, और इधर भाई गन्ने वाले भाई चले हुए, परे को दबा लो इसको थोड़ा सा, दो लाइन बंद कर रखी है भाजी। और अब मैं थोड़ा सा यार डबल माइंड हो गया हूँ, लखनऊ पार होता है कि नहीं, लखनऊ पार करूँ या नहीं, यही अब दुविधा में पड़ गया हूँ। ये पूरी रात लगा दी ना पहुँच पाया, फिर मेहनत बर्बाद, क्या किया जाए यार, मैं डबल माइंड हो गया हूँ, देखते हैं अभी चलकर। भाई पूरा हाईवे जाम, गन्ने वाले चले हुए हैं, ट्रैक्टर वाले ट्रक वाले भाई, और एक लाइन में भी नहीं चलते हैं यार, एक राइट साइड चला हुआ तो एक लेफ्ट साइड चला हुआ, और दोनों बराबर बीच में फंसते रहो गाड़ी वाले, देख सकते हो आप लोग, एक ये चला हुआ ना ट्राली वाला और एक वो चला हुआ, तुमको चलना ही है तो एक ही लाइन में चल लो ना भाई यार, क्यों गाड़ी वाले को परेशान कर रहे हैं, हम लोग उधर से निकल जाए करेंगे रॉन्ग साइड से, तुम लोग फर्स्ट लाइन में चल लो, मजे से तुम्हारी ब्रेक नहीं लगेगी, पर तुम सुधरते नहीं हो यार, एक ही लाइन में चल लो, एक इधर को लगा देगा एक उधर को लगा देगा। अभी हमने 3-4 गाड़ियां पास कर दी, दुखी होके मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, अभी आगे दिखाऊंगा मैं आपको, और मिलेंगे भी आगे। तो इनको एक ही लाइन में दबा के चल लो दोनों बराबर, ना तुम परेशान ना हम परेशान, फिर तुम्हारे बीच में गाड़ियां घुस रही है, तुम्हारी भी ब्रेक लग रही है, तुम्हारे गियर डाउन हो रहे, और हमारे तो हो ही रहे हैं, ब्रेक लग रहे हैं बिना मतलब से, आपके भी लग रहे हैं, इससे बढ़िया आप लोग लाइन में चल लो, है कि नहीं दोस्तों। अभी आगे और चले हुए देखो ट्रैक्टर, बाकी एम्बुलेंस आए तो एम्बुलेंस को सबसे पहले पास दे दो भाई, मैं मुझे दिखी कि एम्बुलेंस आ रही ट्यों करते थे, मैं कहा चलो पास देना जरूरी है भाई एम्बुलेंस को, चाहे खाली हो चाहे भरी हो। तो कई लोग देखते हैं कि खाली भाई खाली जा रहा है, सायरन बजा रहा है, ये जरूरी थोड़ी है कि खाली है तो वो भाई उसको पास ना दो, यहाँ पर मरीज लेने जा रहा है, एम्बुलेंस बिना मतलब से तो चलती नहीं है, चलेगी तो इमरजेंसी में चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, पर लोग होते हैं कई काफर। ये देखो यहाँ पे भी इन ट्रैक्टर वाले करके जाम लगा हुआ है, देख सकते दोस्तों, ये भाई दुखी कर देंगे आज रात भर। ये देखो लाइन लग गई दोस्तों यहाँ पर, अभी आपने बराबर चलते है ना दोस्तों एक साइड आमने सामने, तो ये गलत करते हैं यार ये लोग, ये 100% उन ट्रैक्टर वालों की वजह से लगाए जाम, मानो ना मानो।
अब 15 मिनट हो गए दोस्तों लाइन में लगे हुए यहाँ जाम में, तो अब चलिए लाइन भाई। ये भी अब रॉन्ग साइड से जा रहे थे, इधर सर्विस लाइन है, इधर से जा रहे थे कार वाले, उनको निकलने दे रहे अभी। यार ऐसे में ना इन कार वालों से बड़ा डर लगता है यार, ये कार वाले दिखते भी नहीं है और ये चलते भी हर कैसे ही भाई। कंटेनर वाले को देखो किधर से जा रहा है आगे, अगर मैं नीचे को नहीं आने दूंगा फिर मुझे लग रहा है कुछ हो गया सीन। अच्छा चौक है भाई, मुड़ने दो गाड़ियों को यार, क्या हो गया दो मिनट, वो तो गाड़ी ना तोड़ दियो यार, मुड़ने दो यार। मैंने सोचा वही ट्रैक्टर के करके लग गया जामे, जाम लगाओ भाई। फिर गाड़ी मुड़ने के लिए ना अंदर से आ रही है मुरादाबाद साइड से गाड़ी, क्या ही बोले दोस्तों भाई। ये कंटेनर वाला किधर को आ गया, रॉन्ग साइड ही आ रही है, ये किधर से आ रहा था बाबा, बड़े मुश्किल से जाम खुला था तेरा भाई, आगे ये खराब हो गया मेरे को लगता है रोड में। अब हम है सिंगल बाबा, वो देखो गाड़ी वाले को देखो भाई, ओ हो ओ हो, अब ये कार वाले आने दो हमको होली होली, डर लगता है भाई। ये देखो यार टपलो यार, इतनी छोटी सी कार है, फटाफट निकालो तो घुसाने को जल्दी करते बस, ये खराब हो गया यार बीच रोड में, तेल ही खत्म हो गया यार। तो देखो तेल डाल रहे, देखो यार ही बोले दोस्तों भाई, तेल तो डलवा लो यार, इतनी बड़ी गाड़ी बना रखी है। चलो हो जाता है भाई, बड़े बड़ों का तेल खत्म हो जाता है आजकल, इतनी महंगाई है बस पूछ नहीं रहा है, तेल ही खत्म होंगे अब। ट्रैक्टर वाला ना था आजकल, कन्ने वाला ना था भाई, जिलमटा आ रखा भाई, है रखा ट्रैक्टर चले भाई। और भाई एक दो महीने ये धुंध के टाइम में ना ये ट्रैक्टर वाले बड़े तंग करेंगे भाई, पर ये भी क्या करे भाई, इनको भी तो गन्ना लेके जाना है भाई, चलना तो सबको है, काम तो सबका है। और मुझे लग रहा है भाई ये लखनऊ पार नहीं होने वाला है, धुंध पड़ जाएगी, धुंध के आसार लग रहे हैं मुझे। रात के दोस्तों 6:30 हो गए हैं, मुरादाबाद पार करते ही देख सकते हैं टोल टैक्स में कितना लगा हुआ है जाम, और देखो टोल पर कारें ही कारें भाई, ट्रक ही ट्रक। बहुत तगड़े वाला जाम लगा रहता है भाई, जाम पता नहीं यार किस बात का जाम लगा रहता है दोस्तों। ये कार आई नहीं, पहले ही उड़ गया डंडा भाई, क्या बात है, कितना खतरनाक फास्टैग चला। और भाई ये ट्रक वाले को तो बस परेशान करते हैं जानबूझ के, ओ वो लोड है जी फलाना है, मुझे लग रहा है ऐसे ही बोलेंगे कुछ। बोले दोस्तों रोड के इतने बुरे हाल है ना यार, जगह जगह रोड में कट दे रखे हैं, गाड़ी धड़म धड़म बस दूसरे तीसरे चौथे गियर में चलते रहो, गियर लगाते रहो। ये देख सकते हैं आप लोग बेचारा कैंटर वाला कच्चा माल भरा हुआ है, क्या करें, धड़म धड़म करते जा रहे हैं गाड़ी वाले। ये देखो यहाँ फिर उतारनी पड़ जाएगी, ये पूरे रोड के बुरे हाल है दोस्तों, और इसमें गाड़ी गिरती भी बहुत जोर से है दोस्तों, धड़म धड़म हो रखे बस, धूल ही धूल है, क्या करें दोस्तों। और दोस्तों शाम के बज गए हैं 8 और हम पहुंचने वाले हैं बरेली, तो ये बरेली से पहले आ जाता है टोल प्लाजा, तो इस टोल प्लाजा में तो शुगर है जाम नहीं है भाई, नहीं तो भरा ही रहता है टोल प्लाजा भाई, अपने को तो खाली मिल गई लाइन,
एक कार है बस हमारे से आगे, ये भी निकल गई भाई। चलो बढ़िया है भाई, पहली बार ये टोल प्लाजा मिला मुझे ऐसा कि लाइन नहीं, मैं नहीं लगना पड़ा मुझे। हाँ इनका फास्ट है क्या? तो अपना टोल दोस्तों हो गया पार। ये मेरे को लगता है ना शीशे गंदे है ना मेरे, तो इसीलिए फास्ट टैग पकड़ नहीं रहा है फटाफट। ओ जामा आगे से आ जाएगा दोस्तों थोड़ी देर बाद बरेली का बाईपास, और बाईपास में बोलते चोरी होती है यार। देखते हैं कोई गाड़ी मिल जाए पीवी नंबर तो उसके साथ साथ चलेंगे, पर गाड़ी कोई नहीं है यार, अकेले ही चले रहेंगे बापे, कोई बात नहीं। कल ही आए थे, कल ही जाएंगे भाई, क्या करें, अपना साथ हो कभी होता ही नहीं किसी का यार, क्या करें। अपना टोल दोस्तों हो गया पार। ये मेरे को लगता है ना शीशे गंदे है ना मेरे, तो इसीलिए फास्ट टैग पकड़ नहीं रहा है फटाफट। ओ जामा तो आगे से आ जाएगा दोस्तों थोड़ी देर बाद बरेली का बाईपास, और बाईपास में बोलते चोरी होती है यार। देखते हैं कोई गाड़ी मिल जाए पीवी नंबर तो उसके साथ साथ चलेंगे, पर गाड़ी कोई नहीं है यार, अकेले ही चले रहेंगे बापे, कोई बात नहीं। कल ही आए थे, कल ही जाएंगे भाई, क्या करें, अपना साथ हो कभी होता ही नहीं किसी का यार, क्या करें भाई। क्या ही बोले दोस्तों, भाई स्लीपर वाले ने ना पिकअप वाले को मार ही दिया था यार, साइड दबा दी इसकी पूरी यार। बेचारा पिकअप वाला शरीफ है, कुछ बोला नहीं उसने, उसको एकदम साइड दबा दी। तो दोस्तों अपना बरेली हो गया है पार, और चले हुए दोस्तों अभी नॉन स्टॉप लंच के बाद, तो अभी शाहजहानपुर पार करके देखेंगे, और आज कोशिश है भाई लखनऊ पार करना ही करना है, जिस भी हालत में जो मर्जी हो जाए, क्योंकि ये लखनऊ पार नहीं हो रहा दोस्तों फिर कल पूरा दिन खराब हो जाएगा, फिर कल इस टाइम जाना पड़ेगा रात को 11 बजे, तो फिर दो दिन खराब हो जाते हैं एक दिन के चक्कर में। आज नाइट फुल लगाएंगे, चले रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं शाहजहानपुर, तो देख सकते हैं शाहजहानपुर आते हैं ना ट्रक की ट्रक दिखेंगे आपको, देखो इधर को ट्रांसपोर्ट है कि क्या है, इधर ट्रक खाली खड़े रहते हैं इधर लोडिंग के लिए, रैक भी लगता है इधर। और रात के हो गए हैं दोस्तों 11:30 बजे पहुंचे हैं दोस्तों शाहजहानपुर, कंटिन्यू चलकर भाई, लेकिन रुक जाते टाइम खराब करते तो एक घंटा खराब हो जाता, तो यहाँ पहुंचते हम 12:30 बजे, एक घंटा तो लेट हो ही जाते हम। मुझे लग रहा कि जाम लगा हुआ है, नहीं नहीं, और बाहर का व्यू देख सकते दोस्तों आप लोग, ये देखो भाई छोटा सा पार्क बनाया हुआ रोड के साथ, मजेदार व्यू है दोस्तों। और हमारे आगे चला हुआ टेलर भाई आलू लेकर, हीरो होंडा हीरो, और दोस्तों रात के बज गए हैं 1, और हम पहुंचने वाले हैं दोस्तों सीतापुर, और देख सकते हैं मुरादाबाद वाले कंटेनर वाले चले हुए हैं बराबर, और भाई अपने को आज अपने गांव की गाड़ी मिल गई, कश्मीर से आई है सेब लेकर, वो जा रही है आगे आगे, मैंने पास लेना था यार, पर इन कंटेनर वालों ने बराबर लगा रखी है गाड़ी, नए पास देते है नए चलते है, पता नहीं क्या करते हैं भाई ये लोग। मुरादाबाद टिपू है, क्या बात है, तीन जा रहे हैं इकट्ठे ही, और इधर को पंप भाई, मुझे लखनऊ पार करते करते ये सुबह के 4 ही बज जाएंगे दोस्तों, जैसा लग रहा है ऐसा सिस्टम, क्योंकि एनिवर्सर ज्यादा है और जगह जगह ब्रेक के लग जाती है दोस्तों, क्या करें भाई। 585 रोडू इंजन, आ जा यार, तेरे करके तो ब्रेक मारी है, ए जा रहा है, व्हील कप लगाए हुए भाई इस तरह, पटियाला बाटी
उसका ट्रक है, एक है ना इंस्टाग्राम में अफसाना खान, उनका ट्रक है ये। तो आप लोग काफी लोग फॉलो करते हैं अफसाना को, उन्हीं का ट्रक है भाई ये। तो वो इंस्टाग्राम में रील बनाती थी, इसी ट्रक में बनाती हो, इसी दस्तक के पर इसी को चलाते हो। तो अभिषेक चावरा भाई ने भी फॉलो करा है भाई, ये है भाई 585। रात को दिखती नहीं है यार साफ, पीछे अपनी गाड़ी, अंदर सोए हुए उस्ताद जी। चौदह रंग लगे फिट, 82,897 किलोमीटर चले हुए हैं। लॉन्ग रूट ही चल रहे हैं उस्ताद जी आजकल है। तो बाल लू लू डोना नहीं अभी है सब भाई जी, ये चक्कर हो जाएगा तो रात के बज गए हैं 2:30 दोस्तों। तो अभी हम सीतापुर पार करके रुके चाय पीने के लिए, उस्ताद जी गया खाना लेने, बिरयानी लाना है। बिरयानी मजे से। और दोस्तों ये आ गया सीतापुर पार करते ही दोस्तों टोल प्लाजा, नीचे को ही चले जाते हैं फिर। साथ में ये गाड़ी है भाई लखनऊ पार करके ये दूसरी साइड को चले जाएगी, गोरखपुर वाली साइड को। खुल जा सिम 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 सिम, कहाँ है इनका सिम सिम यार भाई, इनके है बहुत बुरे हाल यार। मैं उधर गया था, उधर चला नहीं, फास्टैग उधर से कहता बैक करो, बाहर नहीं निकला दोस्तों, क्या ही बोले दोस्तों इन टोल वालों के यार। बस का तो चल पड़ा यार, इधर देख के अब चलता ही नहीं चलता। वो आया भाई मशीन लेके फिर चला यार, पहले आ जाओ मशीन लेके, टाइम ऐसे ही खराब करेंगे, क्या ही बोले दोस्तों, चलते ही नहीं यार कहीं जगह फास्ट टैग, क्या करें, लड़ाई झगड़े वाला काम हो जाता है दोस्तों स्टार्टिंग। वो दूसरी गाड़ी किधर चले गई, ओ चले गई, ये रुकी है उधर, यहाँ पे पीते है दोस्तों चाय बना रहा होगा भरत भाई। दोस्तों मैं तो चल पड़ा हूँ चाय पीकर, तो उन्होंने वहाँ पर बिरयानी पैक कराई थी जहाँ पे पीछे रुके थे, तो टोल टैक्स में आके यहीं पर लगे और सोने बोलते हम लोग तो भाई सुबह जाएंगे। अब मैंने तो बोल रहा था उनको लखनऊ पार कर लो, पर अब अपनी इच्छा है तो मुझे बाईपास काफ़ी लंबा पड़ जाना था, मैं चलो अभी 3 बजे हैं तो 1-1.5 घंटे में मेरा लखनऊ पार हो जाएगा, मगर चले रहता हूँ मैं, फिर लखनऊ पार करके कहीं सो जाऊँगा मज़े से लगा कर, फिर कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। मैं तो सोच रहा था दो गाड़ियाँ हैं मज़े मज़े चले रहेंगे, लखनऊ पार हो जाएगा तो बढ़िया था। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रह गया मेरे को भी लखनऊ, यहाँ से 70 किलोमीटर रह गया दोस्तों लखनऊ, चले रहेंगे मज़े से, तो क्या कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, तो सुबह के बज गए हैं दोस्तों 5, चले हुए हैं कंटिन्यू और लखनऊ शहर में हम एंटर कर गए हैं दोस्तों, और हम मुड़ गए हैं कानपुर वाले हाईवे पर, लखनऊ से कानपुर वाले रोड पर। तो इसमें आगे जाके फिर हम इस रोड को छोड़ देंगे, लेफ्ट टर्न ले लेंगे प्रयागराज की ओर। बाकी सुबह सुबह इस टाइम नो एंट्री लगने का टाइम हो गया है दोबारा से, मेरे को लगता है 6-7 बजे नो एंट्री लग जाती है, 1-1.5 घंटे का टाइम है अभी, तो चले हुए गाड़ी वाले खिंचा खिंच। अभी हम 7-8 किलोमीटर बाद लेफ्ट टर्न ले लेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद वो सीधा ही जा रहा है कलकत्ता के लिए हाईवे। भाई मैंने तो शीशे भी साफ नहीं करे आज, तो दाग से दिखाई दे रहे होंगे आपको शीशे में, इसको इग्नोर करना दोस्तों, चला ही रहा मैं। बाकी ऐसे तो मैंने शीशे साफ करे थे, कपड़ा ही मारा था बस, अखबार से नहीं करे थे दोस्तों। तो आज मुझे ये था कि भाई लखनऊ पार करना है जैसे भी हो, जितना टाइम बचाया जाए बचा लो बस, और लखनऊ पार करो, क्योंकि दोस्तों यार फिर पूरा दिन खराब हो जाता है, फिर पूरे दिन वह रुके रहो। फिर आज मैं अब लखनऊ पार करके दिन तक सो भी जाऊंगा 11-12 बजे तक, तब भी कोई टेंशन नहीं है, फिर भी सफ़र कवर कर लूँगा मैं, नहीं तो फिर मैं दिन भर तोड़े रहता, फिर रात को 11 बजे नौ एंट्री खुलती तो फिर सवेरे हो जानी थी लखनऊ पार करते, फिर अगला दिन भी खराब हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हिम्मत मार ली मैंने और पहुँच गए हैं दोस्तों लखनऊ। ट्रैफिक देख सकते हैं आप इस टाइम हाईवे में, ट्रक ही ट्रक आ रहे हैं देखो आगे से, ये
ये देखो दोस्तों लखनऊ का क्रिकेट स्टेडियम कितना प्यारा लग रहा है ना। यहाँ पे दोस्तों लखनऊ का क्रिकेट स्टेडियम और उसके आसपास का व्यू देख सकते हो दोस्तों, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई। स्टेडियम तो स्टेडियम है भाई, है आजकल नहीं हो रहे होंगे इधर मैच मोच नहीं हो रहे होंगे भाई। देख सकते हो दोस्तों, और जैसे स्टेडियम पार करोगे ना दोस्तों आप, तो आपको उतर जाना है। देखो वाराणसी का बोर्ड लगा हुआ है, सुल्तानपुर का बोर्ड लगा हुआ है, देखो स्टेडियम के साथ साथ ही मतलब, तो उससे आगे ब्रिज नहीं चढ़ने का आपको, तो वहां से लेफ्ट टर्न ले लेना है सर्विस रोड, तो आगे जाके मुड़ जाना है लेफ्ट दोस्तों। बाकी ये गाड़ियां तो सारी सीधी जा रही है भाई कानपुर को। अच्छा सारे एक्सप्रेस होके जाएंगे मेरे को लगता है यार। और ये आगे पहली बत्ती, यहाँ से ले लेना है दोस्तों लेफ्ट टर्न। दोस्तों अमेठी 123, जगदीशपुरा 74, वाराणसी 317 किलोमीटर। ये देखो भाई गाड़ी वाले रुके हुए इधर। तो दोस्तों अपना लखनऊ भी पार हो गया है और हम बनारस वाले रोड में एंटर कर गए हैं दोस्तों। मुझे लग रहा है ये बाजार पार करके कहीं भी मैं टोल टाल के पास सो जाऊंगा यार दोस्तों, नींद बहुत जोर की लग रही है, बड़े मुश्किल से आया हूँ मैं इधर तक यार। ये देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी वाले यहीं पे देखो सो गए लखनऊ पार करके, नींद आ जाती है भाई लखनऊ पार करते करते, बुरी हाल हो जाती है, इसलिए रुके हुए गाड़ी वाले सो गए इधर ही।